नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हमारा टॉपिक है घनानंद। घनानंद की काव्य में प्रेम पीड़ा का जो वर्णन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विचारकों ने इनको प्रेम का भी दुख का कवि कहा और नगेंद्र जी ने ये कहा है कि वे किराए के आंसू से नहीं रोए, वे उनके स्वाभाविक आंसू थे। अर्थात उनके काव्य में जो प्रेम की पीड़ा का वर्णन है वो वास्तविक है। आगे चर्चा करते हुए हम इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा का वर्णन बिंदुवार करते हैं। सबसे पहले है प्रेम की सात्विकता। प्रेम की सात्विकता घनानंद की प्रेम की वासना में न होकर सात्विक सरल बस है। उसने अर्थात घनानंद जी के प्रेम में मांसलता व कौरी कल्पना नहीं है। जीवन के आरंभ में उनका प्रेम सुजान से आसक्ति में लौकिक था। अर्थात जब घनानंद को सुजान से प्रेम हुआ तब उनका प्रेम लौकिक था, लेकिन घनानंद का सुजान द्वारा धोखा देने के बाद या सुजान से दूर होने के बाद उनका प्रेम अलौकिक रूप में परिवर्तित हो गया और बाद में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए और उन्होंने प्रेम की सात्विकता का पालन किया। उनके काव्य में भी प्रेम की सात्विकता के गुण और उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। दिठी को और कहूं नहीं ठोर, दिठी को और नहीं कहूं ठोर, फिर द्रग रावे उनकी दोही, एक विशास को टेक गह लागी, आस रहे बस प्राण बटोई। घनानंद जी कह रहे हैं कि जो मेरे प्राण बटोई के रूप में अटके हुए हैं वे कभी भी निकल सकते हैं और उनकी जो नजर है उनको प्रियतम की छवि के अलावा कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता और कोई स्थान दिखाई नहीं देता और उनकी आंखें सदा अपने प्रियतम सुजान को देखना चाहती हैं और उनको विश्वास है कि एक ना एक दिन वो जरूर उनसे मिलने आएगी। इसी आस में उनके बटोरियों के प्राण अटके हुए हैं। प्रेम की एक निष्ठा। घनानंद ने जो प्रेम किया है वो एकनिष्ठ प्रेम किया है, अनन्य प्रेम किया है। उनके जीवन में सुजान के अलावा किसी और व्यक्ति के लिए स्थान नहीं था। उन्होंने एकनिष्ठ प्रेम का पालन किया जो और सुजान के द्वारा विश्वासघात करने के बाद भर बाद भी उन्होंने अपनी एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण दिया और निरंतर जीवन पर्यंत सुजान से प्रेम करते रहे। शुरुआत में उनका प्रेम लौकिक था लेकिन बाद में अलौकिक रूप में परिवर्तित हुआ। उनकी प्रेम निष्ठा का एक उदाहरण देखिए। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं,
मन ले हूं पर देव छटाक नहीं। यहाँ पर गुरुनंदन जी ने प्रेम की एक निष्ठा का उदाहरण दिया है कि घनानंद अपने प्रियतमा सुजान को कह रहे हैं कि घनानंद प्यारे, घन के समान आनंद देने वाले और उससे भी प्यारे सुजान हूं, सुजान की प्रियतमा का नाम। यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं और प्रेम में एक के अलावा दूसरा आंख नहीं, अर्थात यहाँ पर दो व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति ही बन जाते हैं। एक निष्ठ प्रेम का उदाहरण, दो व्यक्ति मिलकर एक हो जाते हैं। मन ले हूं पर देव छटाक नहीं, और अपनी प्रेतमा के विशेषता को उजागर कर रहे हैं कि उन्होंने मेरा मन ले लिया लेकिन थोड़ा सा भी वो मुझे देना नहीं चाहते। दूसरा गणित का नियम है कि जो सुजान है वो मण, ये राजस्थान भाषा का शब्द है, मन अर्थात 40 मन ले लेते हैं लेकिन ऐसा निर्दयी मेरा प्रेमी सुजान है, उन्होंने मन ले लिए हैं लेकिन छटा परिमाण का छटा वो भी नहीं दे देने की कोशिश कर रहा है। अर्थात यहाँ पर ज्ञानानंद ने प्रेम की एक निष्ठा के साथ साथ अपने गणितज्ञ ज्ञान को भी सिद्ध किया है और इन पंक्तियों में घनानंद की एक निष्ठा प्रेम की एक निष्ठा का उदाहरण देखने को मिल रहा है। अब उनके प्रेम पीड़ित वर्णन में अगला टॉपिक है या अगली वर्णन है प्रेम की उदारता। प्रेम की उदारता, घनानंद ने जो प्रेम किया है वो एकनिष्ठ होने के साथ साथ उदार प्रेम का उदाहरण पेश किया है समाज में। जिस प्रकार से एक उदार प्रेमी अपने प्रेमी की विभिन्न प्रकार की बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए उससे एकनिष्ठ प्रेम करता है और एक जिस प्रकार से राधा ने उदार प्रेम किया उसी प्रकार घनानंद जी ने भी सुजान से उदार प्रेम किया, अथा प्रेम किया जो बाद में अलौकिक प्रेम के रूप में परिवर्तित हुआ। प्रेम की उदारता इसी में है कि प्रेमी से कुछ भी अपेक्षा न की जाए, बस अपेक्षा इतनी है कि उसके दर्शन मात्र होते रहे, ये प्रेम की उदारता है जो घनानंद ने भी किया और अपने काव्य में प्रेम की उदारता के कई उदाहरण हैं। देखिए कंत रमे उर अंतर में सूर है, कंत रमे उर अंतर में सूर है, कंत रमे अर्थात मेरे स्वामी मेरे उर में रमे हुए अर्थात हृदय में, अंतर में सूर है लेकिन अंतर मन में सूर चुके हुए नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, नहीं क्यों सुख मुझे इस प्रेम में सुख नहीं मिल रहा राशि निरंतर, और मुझे प्रेम में दुख ही मिला है और वो निरंतर बढ़ता रहता है। अंतर में बासी पे प्रवासी कोसो अंतर, अंतर में अर्थात मेरे हृदय में जो बसा हुआ है अर्थात सुजान मेरे हृदय में जो बसा हुआ है उसका जो स्वरूप है वो प्रवासी कोसो अंतर, वो एक प्रकार से प्रवासी के समान
परदेशी के समान मेरे साथ व्यवहार करता है। मेरी न सुनत दैया अपनी यो नाम कहो, और मेरी कुछ भी नहीं सुनता, ना ही अपने बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त कर पाते। यहाँ पर प्रेम की उदारता का वर्णन हुआ है कि एक प्रेमी, उदार प्रेमी, प्रेमी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, बस उसके दर्शन चाहता है और निरंतर उसको हृदय में समाये रहता है, चाहे वो कितना ही निष्ठुर ना हो जाए, क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर घनानंद जी ने पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि प्रेम की उदारता उनमें निहित है, उनके प्रेम में। लौकिक प्रेम में, लौकिक में अलौकिक प्रेम, अगला वर्णन है। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम, घनानंद जी मीर शाह के मीर मुंशी थे और उनके राजकवि होने के साथ साथ एक अच्छे गायक भी थे, और वहां की जो राजनर्तकी सुजान थी उसके साथ घनानंद का प्रेम था, और उनका प्रेम पहले लौकिक था, शायद उनका प्रेम सुजान के प्रति उनका प्रेम लौकिक प्रेम था, लेकिन सुजान के दूर होने के बाद उनका प्रेम अलौकिक रूप में परिवर्तित हुआ, जो उनके काव्य में भी दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने अपने लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम के भी पदों में उदाहरण पेश किए हैं, और उनके पदों को पढ़ने से उनके लौकिक प्रेम व अलौकिक प्रेम दोनों के दर्शन हमें उनके काव्य में मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए, इसमें लौकिक प्रेम उसके द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। घनानंद जीवन प्राण सुजान तिहारिये बतानी, तिहारिये बात नहीं लीजे हूं, नित नीके रहो तुमो चाहू कहा, वे असीम हमारियो लीजिए जो। यहां पर जो उनकी प्रेसी सुजान है उसको घन के समान, बादलों के समान आनंद वर्षा करने वाला बताया गया है। और घनानंद ने कहा है कि जिस प्रकार से बादलों को प्रत्येक व्यक्ति आनंद की दृष्टि से देखता है, उत्सुक रहता है, उसी प्रकार आप भी घन के समान आनंद देने वाले हैं। और नित्य अर्थात प्रतिदिन तुम्हारे प्रेम के लिए तरसता रहता है घनानंद। वे आशीष हमारियों लीजिए, जिस प्रकार से बादल सभी का मनोकामना पूर्ण करता है, सभी का भला करता है, वैसे ही घनों से प्यारी प्रेसी सुजान आप भी मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। अप्रत्यक्ष रूप में लौकिक प्रेम की व्यंजना के साथ साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी यहाँ पर परिलक्षित होती है। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, प्रेम जन्य वैर। प्रेम जन्य वेदना अर्थात प्रेम के द्वारा जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उस पीड़ा को भी घनानंद ने बहुत ही आकर्षक और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है।
धनानंद के काव्य में प्रेम के साथ साथ प्रेम के साथ जो वेदना मिलती है, पीड़ा मिलती है, उसका भी वर्णन अपने काव्य में किया है। एक उदाहरण है, देखते हैं। वे प्रेम पीड़ित के गायक कवि हैं, जो घनानंद है वे प्रेम पीड़ित के गायक कवि हैं, और विचारकों ने प्रेम पीड़ित का कवि भी माना। तो उदाहरण देखते हैं। कौन की शरण जाए आप जो न ताहू कहिए, सोनो सो चित्ते जग दया की फूके। यहाँ पर घनानंद जी कह रहे हैं कि कौन की शरण जाए, कि जो मेरे प्रेसी सुजान है वो तो विमुख हो चुकी है, और कौन की शरण जाए, अब किसकी शरण में जाऊं। आप तो नया साहू पहिए, और आप जो वो तो कुछ भी सुदबुद्ध नहीं लेती है, लेकिन अब किसकी शरण में जाऊं। सुनो सो चित्ते, सुनो सो चित्ते जग, और ये पूरा जग, ये पूरा संसार सुनने चित्त के समान, मेरा जो चित्त है वो सुनने के समान हो गए है, शून्य हो गए है, उदास हो गए। चित्ते जग, इस पूरे सजीव जगत में एकमात्र मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है वो सुनना हो चुका है, हो गया है। दया की तुमके, हे राम अब मैं किसके सामने अपना जो टुकड़ा है, अपनी पीड़ा है, किसको सुनाऊं, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो सुना हो गया। क्यों करी बिते, क्या करी बिते, कैसे कहां धो रिक्त मन, और मेरा जो रिक्त मन है उसको किस प्रकार से मैं बहलाऊं, किस प्रकार से पूरे कार्य व्यवहार को, इस दिन को बिताऊं। बिना जान प्यारे कब जीवन से जुड़े, और बिना प्यार प्यारे से जान के बिना ये जीवन की लीला पता नहीं कब समाप्त हो जाए। बनी है कठिन महा मोहि घनानंद, और घनानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ये प्रेम की पीड़ा से जो विरह जनित जीवन है वो बहुत ही कठिन बनता जा रहा है। ऊपर दिन मीचो मरी गई आश्रो न चित फूके, जो मरने की इच्छा है वो भी समाप्त हो चुकी है, आश्रो न, और कोई भी आश्रा मुझे प्राप्त नहीं है, न चित फूके, और मेरी जो दुर्दशा है वो मैं किसको बताऊं। आगे वर्णन करते हैं प्रेमानुभूति की तीव्रता। घनानंद के काव्य में प्रेम की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा अधिक है, और उनका जो प्रेम है वो लौकिक के साथ साथ अलौकिक के दर्शन भी कराता है। घनानंद में प्रेमानुभूति की तीव्रता या गहराई अधिक है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने व्यवहारिक रूप से परखा व देखा है। उन्होंने स्वयं प्रेम को परखा है, प्रेम किया है, और उसकी विभिन्न अवस्थाओं को भी उन्होंने जिया है। इस कारण उनका जो प्रेम है वो मांसल में होकर हृदय के भीतरी भाग से अनुभूत दिखाई देता है। ऋतिकालीन जो कवि है वो लगभग सभी कवि प्रेम से पूरित है। कईयों ने प्रेम का व्यवहारिक रूप भी देखा है, जिसमें से एक हमारे घनानंद जी भी थे, उन्होंने प्रेम को जिया और उसके वास्तविक रहस्य या उसके वास्तविक रूप को भी उन्होंने समझा, परखा व देखा है।
और उनका प्रेम मांसल न होकर अंतर मन से जो अनुभूतियां उत्पन्न होती है वो उनके प्रेम पीड़ा में उत्पन्न हुआ है। कुछ उदाहरण देखिए प्रेमानुभूति की तीव्रता के। हिये मैं जो आरती सुजारती उजारती मारती मरोरे जिये डारती कहा करो रसना पुकारी के बिचारी मचिहारी जाती कहे कैसे कहे उद्वेग रुदि के मरो। अर्थात इसमें प्रेमानुभूति की तीव्रता का उदाहरण है कि जिस प्रकार से आरती की लो जलती है उसी प्रकार घनानंद जी कह रहे हैं कि मैं भी प्रेम में उस आरती के समान अपने हृदय को जलाती रहती हूँ उजाड़ती रहती हूँ मारती मरोड़े जी ढालती कहा। और जिस प्रकार से कोई दुखी व्यक्ति मरोड़े मारता है वैसे ही मैं भी प्रेम की पीड़ा से व्यथित हूँ। रसना पुकारी के विचारे का चिहारे जाते हैं और रसना पुकार पुकार के अपने प्रेमी को पुकार पुकार के बार बार थक जाती है हार जाती है कहे कैसे अकहे उद्वेग बुद्धि के मरो कहो किसी से क्या कहें। उद्वेग जो प्रेम की तीव्रता है उस तीव्रता के कारण ही एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगला जो घनानंद जी के प्रेम की पीड़ा का वर्णन है अगला पॉइंट है पूर्वानुराग में प्रेम। पूर्वानुराग में प्रेम घनानंद का प्रेम प्रारंभ में सुजान की स्मृति को लेकर व्यक्त हुआ है परंतु बाद में उसमें केवल पूर्वानुराग की ही स्थिति बनी रही। जब घनानंद सुजान से प्रेम करते थे प्रेम की तीव्रता हर क्षण वो सुजान के बारे में सोचते रहते थे लेकिन जब उनके बारे में पता चला या जब सुजान ने उनको छोड़ दिया या सुजान उनसे जब दूर हुई तो उनको प्रेम का वास्तविक प्रेम में जो पीड़ा मिलती है उसके बारे में उनको पता चला और उनका प्रेम पूर्वानुराग में हो गया। पूर्व स्मृतियों के आधार पर उन्होंने अपना वर्णन किया है उनके प्रेम में वासना का पुट जरा भी नहीं है उनका प्रेम स्मृतियों के आधार पर ही चलता है और उन स्मृतियों जो सुजान की स्मृतियां हैं वे ही घनानंद के जीने का आधार है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनके काव्य में पूर्वानुराग में प्रेम की झलक मिलती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं जबते निहारे घनानंद सुजान प्यारे तबते अनोखी आगी लागी रहे चाहती। यहां पर घनानंद जी ने अपने प्रेम की पूर्व स्मृतियों को का वर्णन किया है जब ते निहारे घना जब से घन के समान आनंद देने वाले सुजान प्यारे को निहारा है देखा है तब ते अनोखी आंखी लगी रह जाती तब से ये अनोखी लत है जो मेरी आंखों को लग चुकी है और मेरी आंखें
प्रतिक्षण अपने प्रियतम सुजान के दर्शन करना चाहती है, ऐसे विलक्षण लाभ उनको लग चुके हैं। अगला टॉपिक है प्रेम का एकांती मन। प्रेम का एकांती मन घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक होने के कारण एकांगी भी है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सुजान से प्रेम किया और उनका सुजान के द्वारा त्यागने के बावजूद उन्होंने अपने एकांगीपन प्रेम का उदाहरण दिया और उन्होंने जगह जगह अपने काव्य में एकांगीपन प्रेम के उदाहरण दिए हैं। घनानंद का प्रेम प्रारंभ में लौकिक था, लेकिन बाद में जब उन्हें वास्तविकता का आभास हुआ तो उनका प्रेम अलौकिक रूप में परिवर्तित हो गया और उसका उदाहरण हम देखते हैं। घनानंद जी कहते हैं, भय अति निठुर मिटाय पहचाने डारी, भय अति निठुर मिटाय पहचाने डारी, या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सुली छेलनी सो क्यों न भुलाए है। ये एकांगीपन का उदाहरण है। इसमें सुजान के निष्ठुर स्वभाव की वजह से घनानंद बहुत दुखी है और घनानंद कह रहे हैं कि इतने निष्ठुर हो गए कि उन्होंने हमारे जो प्रमाण थे, पहचान के प्रमाण थे, उनको भी मिटा दिया। इसी दुख के कारण हमें हाय हाय की जो रट है वो लग है लग गई है। और सुजान से कह रहे हैं कि तुम निर्दयी हो, भूल गई सुधी, हमारी याद भी भूल गई हो, हमें सूल से लनीसो क्यों न भुलाए, हमें सूल से लनीसो क्यों हो, और हमें निरंतर प्रेम की पीड़ा में ही छोड़ दिया। प्रेम की पीड़ा उसकी सूल हमारे हृदय में चुभते रहते हैं, क्यों न भुलाए। अब उस पीड़ा के द्वारा उस पीड़ा को नहीं भुलाया जाता। इस प्रकार घनानंद जी के काव्य में प्रेम की पीड़ा का ये वर्णन मिलते हैं, जिसमें प्रेम की सात्विकता का उदाहरण मिलता है, प्रेम की एकनिष्ठता। घनानंद के प्रेम काव्य में प्रेम की एकनिष्ठता के उदाहरण मिलते हैं, प्रेम की उदारता के भी कहीं के उदाहरण मिलते हैं। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी इन्होंने अपने पदों में किए। प्रेम जन ने जो वेदना मिली है, पीड़ा मिली है, उसका भी वर्णन किया है। प्रेमानुभूति की तीव्रता भी मिली, पूर्वानुराग में इनका जो प्रेम है वो पूर्वानुराग में है, पूर्व स्मृतियों के आधार पर। और इनके काव्य में प्रेम का एकांगी मन भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार ये घनानंद जी के काव्य में पीड़ा का वर्णन है, प्रेम की पीड़ा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेम पीर के कवि भी कहा है और कुछ विचारकों ने इनके काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी की। इन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को जिया और प्रेम के महत्व, उसके वास्तविक रूप को इन्होंने जिया है। इन्होंने प्रेम को सच्चाई से जिया और उससे मिलने वाले दुख की तरफ अनदेखा करके सिर्फ प्रेम की
उदारता को अपने काव्य में स्थान दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि घनानंद मूल रूप से प्रेम वीर के कवि हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।